नमस्कार भाइयों बहनों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप पा सकें हमारे हर वीडियोज़ के फ्रेश अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोटियां सेकने पर फूल क्यों जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रोटियां जब फूल जाती हैं तो स्वादिष्ट तो बनती हैं, लेकिन दोस्तों रोटियों के फूलने का क्या वैज्ञानिक कारण है वो हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, चपाती बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूंदा जाता है तब गेहूँ में विद्यमान प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती है जिसे लासा या ग्लूटेन कहते हैं। लासा की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है, इसी कारण आटा गूंदने के बाद फूला रहता है। चपाती को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती है। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उसकी पपड़ी सी बन जाती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर चपाती के दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती है। इन दो पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप चपाती की दो अलग अलग परतें बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए आटे में लासा की उपस्थिति आवश्यक है। गेहूं की चपाती खूब फूलती है, परंतु जौ, बाजरा, मक्का आदि की चपाती कभी नहीं फूलती या बहुत ही कम फूलती है, तथा इनमें परतें भी नहीं बनती क्योंकि इन अनाजों में लासा की बहुत कमी होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो कि रोटी क्यों फूलती है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।